बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है नाइट एमिशंस या नॉक्टर्नल एमिशंस, आम जुबान में इसे इख्तलाम का होना कहते हैं। ये एक सिम्टम है, लेकिन इसके बारे में कुछ मिथ्स भी हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूँगा। नाइट एमिशन का मतलब ये है कि आप ख्वाबीदा हालत में या बाकायदा आप सोए हुए के दौरान अगर आप ऑर्गेज्म लेते हैं, यानी आपको एक एक्साइटमेंट होती है और बाद में डिस्चार्ज हो जाता है, तो इसको हम नाइट एमिशन या इख्तलाम का नाम देते हैं। यूजली हर मेल ये एक्सपीरियंस करता है उम्र के किसी भी हिस्से में, लेकिन किसी को इख्तलाम का ना होना कोई ऐसा डिसऑर्डर नहीं है। कुछ लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि जी उन्हें आज तक इख्तलाम नहीं हुआ, तो ये कोई बीमारी नहीं। हाँ, कुछ लोगों में अगर ये होता है तो वो भी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा होता है तो फिर इसके बारे में कुछ हम सोचते हैं कि ये एमिशन कंट्रोल किया जाए या इसको ख़त्म किया जाए। यूजली इसकी जो वजूहात हैं उनमें सबसे बड़ी वजह रात के वक्त सीधे लेटना है, सोते वक्त यानी सीधे लेटना है। उससे आपकी स्पाइन पे एक कंटिन्यूस प्रेशर रहता है जो इस हिस्से की यानी जेनिटल ऑर्गन के हिस्से की नसों को इरिटेट करता है, जिससे एबनॉर्मल शहवत भी हो सकती है और नाइट एमिशन भी पॉसिबल होता है। दूसरी बात यह है कि आजकल सोशल मीडिया और मीडिया ने हर चीज़ पे एक्सेस बड़ी आसान कर दी है, और ऐसा मटेरियल, सेक्सुअल मटेरियल जो अफराद को अरोज़ब करता है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। या सोते वक्त कुछ ऐसे थॉट्स, कुछ ऐसी ख्यालात की रवानी जो जिंसी इश्ताल पैदा कर सकती है, वो भी इसकी एक वजह हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत सी वजह हैं। कुछ लोगों में लाइट यूरिथ्रल इन्फेक्शंस की वजह से भी नाइट एमिशन के चांसेस होते हैं। हाँ, औरतों में भी इसके पैरेलल एक टर्म है, उसे आप ये कह लें कि जैसे इख्तलाम है वैसे ही वजाइना का वेट होना, यानी एक बाकायदा ऑर्गेज्म फील होता है, उसके बाद वजाइनल जो सरफेस है वो एक वेट कंडीशन में आ जाती है। ये इख्तलाम के पैरेलल एक डिसऑर्डर है फीमेल्स में भी। वैसे इसके ट्रीटमेंट में मरीज़ को सिर्फ रीअश्योर हम करते हैं, हाँ कोई पॉसिबल काज है उसको अवॉइड करते हैं, उसको सोने की जो एक राइट पोजीशन है वो बताते हैं, वो है राइट लेटरल पोजीशन, यानी राइट लेटरल पोजीशन पे सोना। इसका मतलब ये है कि आप अपनी दाएं जानब करवट लेके सोएंगे, जिसमें आपकी ऊपर वाली टांग यानी राइट तरफ आपने मुंह किया हुआ है, तो फिर आपकी ऊपर वाली जो टांग है वो लेफ़्ट होगी। इसको आपने थोड़ा सा फ्लेक्स करना है नी जॉइंट पे और हिप जॉइंट पे, और नीचे वाली टांग यानी आपकी जो दाई टांग है राइट लेग, उसको आप सीधा रखें। ये सबसे अच्छी पोजीशन है इस तरह के स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए, जिसमें नाइट एमिशन के चांसेस होते हैं। इसके अलावा वैसे भी ये सुन्नत तरीका है कि राइट करवट पे आप लेटे हैं, दाएं जानब मुंह करके फिर आप सोएं, और इससे और भी तिब्बी फायदे इस पोजीशन में सोने से मिलते हैं। दूसरा, सोने से पहले आप बहुत ज़्यादा पेट भर के ना खाएं, ये भी एक फैक्टर है नाइट एमिशंस में। और सोने से कम 2 घंटे पहले खाना पीना ले लें, इसके बाद खाना पीना ना लिया जाए। हाँ, पानी वगैरह अगर पीना चाहें इसमें कोई हर्ज नहीं है। कुछ ऐसा लिटरेचर जो आपको सेक्सुअली अरोज़ अप करता है उसको अवॉइड किया जाए। दूसरे लफ्ज़ों में एक टर्म है सेक्सुअल हाइजीन। सेक्सुअल हाइजीन का मतलब ये है कि फिज़िकली और मेंटली अपने आप को पाक रखना, ये इस किस्म के डिसऑर्डर में हेल्पफुल है ट्रीटमेंट के लिए। हाँ, समटाइम्स हम यूरिन भी उसका चेक करवाते हैं पेशेंट का कि उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं आ रही, उसको भी सेटल करना ज़रूरी होता है। समटाइम्स यही एक इरिटेशन होती है जिसकी वजह से नाइट एमिशंस हो जाते हैं। कुछ लोगों में फिर हम कुछ एंटी डिप्रेसेंट भी ट्राई करते हैं, जिनमें ये बार बार और सारा कुछ करने के बावजूद ये इस डिसऑर्डर को हम कवर अप ना कर सकें, तो एंटी डिप्रेसेंट का सहारा भी हम लेते हैं, लेकिन वो को बहुत अरसा, लंबा अरसा यूज़ नहीं करने पड़ते। यूजली
4 से 6 वीक में अल्लाह के फजल से ये मसला हल हो जाता है। कुछ लोगों में टेक्टाइल सेंसेशन, जिसको छूने की हिसम कहते हैं, ये इरिटेट करती है या स्टिमुलेट करती है आपकी सेक्सुअल एक्साइटमेंट को। तो सोते वक्त कुछ ऐसी फैब्रिक्स जो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हों, पिलोज़, इनको भी अवॉइड करना चाहिए। ये भी नाइट एमिशन में की एक वजह बन सकते हैं। हाँ, इसके बारे में कुछ मिथ हैं। मिथ का मतलब ये है कि कुछ दकियानुसी बातें हैं, कुछ अफसानवी बातें हैं कि जी जिस बंदे को नाइट फॉल ज़्यादा होता है वो कमज़ोर हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, एक फिज़िकल जब भी ऑर्गेज्म होगा, यानी एक्साइटमेंट के बाद डिस्चार्ज होगा, वो बेशक आपके कॉन्शियस कंडीशन में हो या स्लीपिंग में हो, वो एक बॉडी में हैजानी कैफियत पैदा करता है, यानी मस्कुलर स्पाज्म करता है, जिससे बॉडी में कुछ लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है जो आपको एक थकावट का एहसास देता है। अदरवाइज़ जिस्म में कोई ऐसी एबनॉर्मल चेंज नहीं आती जो आपकी सेहत के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए या फिज़िकल हेल्थ के लिए ख़राब हो। हाँ, इस मिथ के बारे में एक कंसेप्ट बना लेना कि जी इससे वीकनेस होती है, इससे आप बिल्कुल डिटीरियोरेट हो जाते हैं, ये सरासर गलत है। अगर आप मिथ बनाएंगे तो फिर आपको ऐसी एक फीलिंग मिलेगी जो कि एक फ़ाल्स फीलिंग है। तो ट्रीटमेंट इसका बड़ा ही सिंपल है, रीश्योर करना है, उन चीज़ों को अवॉइड करना है, लेट नाइट खाना कम लें, और ऐसा मटेरियल, ऐसी फिल्में, ऐसी पोर्न्स जो आपको सेक्सुअली या रोज़ अप कर सकती हैं, उनको अवॉइड किया। शुक्रिया।